मुरादाबाद रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डर सचिन चौधरी ने रविवार की शाम को मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में इवेंट का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा को भी बुलाया गया। लेकिन उनके स्टेज पर पहुंचने से पहले ही हाथों में राइफल और बंदूक लेकर कई हथियारबंद लोग स्टेज पर पहुंच गए, मानो जैसे कि कोई आतंकवादी आने वाला हो। नेहा शर्मा स्टेज पर पहुंची तो उनके आने के बाद भी वो हथियारबंद लोग स्टेज पर जमे रहे। अभिनेत्री नेहा शर्मा स्टेज पर आते ही ये भी भूल गई कि वो कहाँ आई है और हेलो मुरादाबाद के बाद मुरादाबाद कहाँ, और मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि ठंड बहुत है यहाँ पर। इसके बाद एंकर ने उन्हें आगे बुलाया और एक मिनट स्टेज के आगे आकर हाथ हिलाते हुए हथियारों के साए में ही वापस चली गई। Good evening, how are you doing? I'm doing very well. Hello, Muradabad. बहुत ठंडी हो रखी है यहाँ पे, तो I'm like a little chill. But I can see all of you, I'm really excited to be here. Yeah, can we move towards that side? Raymond, come in. Yes, let's do it. दोस्तों, we want to see आप लोग सब लोग अपना flashlight निकालो फोन से। फिर स्टेज से आवाज आई कि प्लीज स्टेज के पास से चले जाएं, जिसके बाद मुरादाबाद के नव निर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने मंच पर आकर हिप हिप हुर्रे के नारे लगाए। दोस्तों, आज की शाम हमारे युवा नौजवानों के नाम इन भाई को सारे युवाओं की ओर से सलाम। खूब गर्म 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 जोशी के साथ और आप सब लोग एंजॉय करें। आज हमारे शहर में नेहा जी आई हुई है, उनका सबका, नेहा जी का भी हमारे मुरादाबाद की धरती पर स्वागत अभिनंदन। जितने भी कलाकार इस कार्यक्रम में आए हैं उन सबको बधाई, विशेष तौर पे आराध्यन को बधाई। थैंक यू वेरी मच विनोद जी। उसके बाद से लगातार अनाउंस होता रहा कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं उन्हें बाहर करो, सब लड़के बैरिकेड्स के बाहर करो, बाउंसर जितने भी लड़के हैं उन्हें बाहर करो, चेन मत बनाओ। इस दौरान पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और बिल्डर सचिन चौधरी की पूरी टीम ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की, अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की तक कर दी। देखते ही देखते सभी पत्रकार नाराज हो गए और वहां से चले गए, जिसके बाद सभी पत्रकारों का कहना था कि व्यवस्था में कमी रही और ये हमेशा की तरह पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने से नहीं चूके। शांति यार, शांति भाई, शांति।